हेलो सेवन्थ क्लास, हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 14 जो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि भारत में चलने वाले हाथ से बनी हुई डिजाइन या कलाकारियाँ, कलाएँ। तो इंडिया हैज़ एन एक्सट्रीमली रिच हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन। भारत में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैला हुआ है हाथ से बना हुआ चीज़ें, हाथ से बनी हुई चित्रकारी, तो ये परंपरा चली आ रही है। एवरी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स प्रोडक्शन टेक्निक, यूनिक पैटर्न एंड मटेरियल यूज। हर हैंडीक्राफ्ट, हर हाथ से बना हुआ जो चीज़ है वो पहचानी जाती है कि इसको किस तरीके से बनाया गया है, किस टेक्निक से बनाया गया है, कौन सा यूनिक पैटर्न इसके अंदर यूज किया गया है और इसके अंदर मटेरियल क्या यूज हुआ है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट बाय देयर गिवन डिस्क्रिप्शन। उन हैंडीक्राफ्ट को पहचानो उनके डिस्क्रिप्शन से और करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करो। फर्स्ट, इट इज़ ए मैथड ऑफ पेंटिंग विद नेचुरल डाइज ऑन कॉटन और सिल्क फैब्रिक विद ए बैम्बू पेन और कलम। Natural colors are prepared by mixing parts of the paints like roots, leaves and stems along with mineral salts. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पेंटिंग की जाती है किसके ऊपर, नेचुरल डाइज यानी नेचुरल कलर का यूज करके कॉटन और सिल्क के कपड़े के ऊपर पेंटिंग की जाती है और उस पेंटिंग को यूज करने के लिए बैम्बू पेन यानी कि लकड़ी के पेन का यूज किया जाता है जिसे कलम कहते हैं। इसमें नेचुरल कलर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को मिक्स करके बनाए जाते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स और स्टेम और मिनरल साल्ट्स को मिक्स करके ये नेचुरल कलर बनाए जाते हैं। फिर इनको सिल्क और कॉटन के कपड़े के ऊपर कलम से बनाया जाता है, ये होता है कलमकारी में। अगला है, इट इज़ ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स। द मेन कलर यूज आर येल्लो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, दे आर डाइड इन नेचुरल कलर्स। ये जो मेथड है इसमें क्या करा जाता है, कॉटन और सिल्क के कपड़ों को बांधा जाता है और उसको कलर किया जाता है। ये मेन कलर जो इसमें यूज होते हैं वो होते हैं येल्लो, रेड, ग्रीन और ब्लैक, दे आर डाइड इन नेचुरल कलर, इन्हें प्राकृतिक कलर के अंदर रंगा जाता है। यह है बांधनी, इसमें छोटे छोटे गांठ बनाई जाती है। अगला, इट इज़ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम द लखनऊ। ये पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है लखनऊ की। इट इज़ बिगेन एज ए टाइप ऑफ वाइट ऑन वाइट एम्ब्रॉयडरी। ये जो शुरुआत हुई थी तब, ये जब एक सफ़ेद कलर के ऊपर सफ़ेद कढ़ाई की जाती थी, एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। इट इज़ अप्रिसिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स अमेजिंग लुक। ये जो इसको प्रशंसा मिलती है पूरे संसार में क्योंकि बहुत इसका लुक जो होता है वो क्या होता है, बहुत अमेजिंग होता है। इसको कहते हैं चिकन करी यानी कि सफ़ेद कलर के ऊपर सफ़ेद कढ़ाई की हुई होती है। अगला है, इट इज़ मेथड ऑफ मेकिंग पॉटरी एंड स्कल्पचर विद क्ले। इट हैज़ ए कलर दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एंड ब्राउन। ये मेथड है जिससे पॉटरी बनाई जाती है, मटके यानी कि मिट्टी से सामान बनाए जाते हैं, स्टैचू बनाए जाते हैं, स्कल्पचर बनाए जाते हैं क्ले से, और इसमें जो कलर यूज किया जाता है वो ऑरेंज और ब्राउन को यूज करके उसका मिक्सअप कलर यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं टेराकोटा। अगला, दिस स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग इज डन ऑन द वेरियस मीडियम सच एज क्लोथ, कैनवास एंड हैंडमेड पेपर। ये जो इंडियन पेंटिंग है ये अलग अलग बहुत सारे मीडियम में की जाती है, क्लोथ के ऊपर भी की जाती है, कैनवास के ऊपर भी की जाती है और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी की जाती है, इसे कहते हैं मधुबनी।